हे ब्यूटीफुल व्यूअर्स ऑफ रैंडम टेक, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रहा है, लगभग एक साल हो गया लास्ट वीडियो आते हुए, तो इसके लिए हम आपसे तहे दिल से माफी मांगते हैं। तो कुछ पर्सनल इशू चल रहा था, अभी से होप कि इस वीडियो से एक नया शुरुआत होगा और आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ बगल वाला घंटी बटन को इतना जोर से बजाइए कि जब भी रैंडम टेक की तरफ से कोई भी नया वीडियो आए आपका फोन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो आज बात करेंगे अभी का जो सबसे हॉट टॉपिक है उसके बारे में। जैसे कि आपको पता है कि अभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन में सेल्स चल रहा है, और सेल्स मतलब इस साल का इस टाइम के लिए बहुत लोग इंतजार करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत उमदा उमदा ऑफर मिलता है। तो ऐसे में कुछ ऑफर तो ऐसा रहता है जो स्टीलर रहता है, कुछ ऑफर ऐसा रहता है जो आपको पुराना माल आप पे थोपा जाता है थोड़ा सा डिस्काउंट देके, जो आपके लिए हानिकारक है, या फिर कुछ ऑफर ऐसा रहता है जिसपे प्राइस बढ़ा के आपको डिस्काउंट दिया जाता है। तो ऐसे में चलिए अभी बात करते हैं इन सारे ऑफर्स के बारे में, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे आईफोन्स के बारे में, क्योंकि इस ऑफर में जो सबसे ज्यादा बिकता है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, जिसको लेके मारामारी रहता है, वो है आईफोन, क्योंकि आईफोन में जो ऑफर है वो बहुत ही उमदा ऑफर मिलता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग दो टाइप के यूजर के लिए बात करेंगे, एक के जो एग्जिस्टिंग आईफोन यूजर है, दूसरा जो पहले बार आईओएस या फिर आईफोन लेने वाले हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम आईफोन यूजर है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आईफोन यूजर है, आपको शायद लगेगा कि आईफोन 11, आईफोन 12, आईफोन 10 या फिर आईफोन 13 जिसपे बहुत सारा ऑफर मिल रहा है, ये सब ले ले। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत पुराना आईफोन मॉडल लेना बिल्कुल समझदारी वाला बात नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना जो आईफोन मॉडल होता है उस पर आपको उतना अच्छा आज के डेट के जैसा अपडेटेड फीचर्स नहीं मिलता है, प्रोसेसर्स पुराना होता है, बैटरी उतना अच्छा काम नहीं करता है, आज के जो हैवी इंटेंसिव काम रहता है, हर साल स्मार्टफोन का स्पेक जो है बढ़ता जा रहा है, आपको पता है। तो ऐसे में अगर आप 3-4 साल पुराना आईफोन लेंगे, आपको 1 या 2 साल का अपग्रेड सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ ही साथ नए नए फीचर, नए नए अपडेट मिस कर जाओगे। इससे बेहतर है अगर आपका बजट कम है तो आप कोई अच्छे से एंड्रॉयड ले लीजिए, उस पर आप सेटिस्फाइड भी रहेंगे, आपका बहुत पैसा बच भी जाएगा। लेकिन अगर आपको आईफोन लेना है, सिर्फ और सिर्फ 30,000 प्राइस देख के आईफोन 11 मत लीजिए। आईफोन 11 में तो 5G ही नहीं है, तो ऐसे में ऑलमोस्ट 5G रोल आउट हो गया, आप एक 4G फोन लेके क्या ही कर लोगे। उसके साथ अगर आप आईफोन 12 13 लेना चाहते हो, तो हाँ आईफोन 12 13 में आपको बहुत अच्छा ऑफर मिल जाएगा। आईफोन 12 आपको 30-35 हज़ार में मिल जाएगा, 13 40-45 हज़ार के अंदर मिल जाएगा, ऑफर अच्छा है। आईफोन 12 13 अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा बजट बढ़ा के आईफोन 14 या आईफोन 15 ले लीजिए। और अगर आपके पास बजट का कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आईफोन 15 प्रो मैक्स बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि अगर हम आईफोन 14 प्रो मैक्स को 15 प्रो मैक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो टाइटेनियम बॉडी और USB-C छोड़ के खास कुछ अपग्रेड है नहीं जिसके लिए आप उतना ज्यादा पैसा दोगे, क्योंकि अभी ऑफर में आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है वो 1 लाख से 1,05,000 के अंदर आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा डील है। और आईफोन 14 प्रो मैक्स आज के डेट में भी उतना ही कैपेबल फोन है कि कोई भी फ्लैगशिप फोन के साथ वो कम्पीट कर सकते हैं। और अगर आपके पास बजट थोड़ा सा कम है लेकिन आप 70-80 हज़ार खर्च कर सकते हो, तो आईफोन 15 लीजिए, क्योंकि आईफोन 15 जो है वो एकदम उमदा बनाया गया है। मेरे ख्याल से पहली बार आईफोन का नॉन प्रो मॉडल ऐसा आया है जिसको हम प्रो मॉडल से बेहतर बोलेंगे, क्योंकि प्रो मॉडल के साथ इसका ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं, थोड़ा बहुत कैमरा डिस्प्ले बैटरी में डिफरेंसेस है, लेकिन आईफोन 15 जो है इस पर आपको डायनामिक आइलैंड मिल जाता है जो आईफोन 14 प्रो मैक्स में था, 14 में भी नहीं था। उसके साथ आईफोन 14 प्रो मैक्स का जो प्रोसेसर है वही प्रोसेसर मिलता है 15 में। उसके साथ आईफोन 14 प्रो मैक्स में जो 48 MP वाला कैमरा था वही 48 MP का कैमरा भी आपको मिल जाता है। थोड़ा बहुत आपको टर्शियरी कैमरा नहीं मिलेगा, दो ही कैमरा मिलेगा, डिस्प्ले में 60 Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, यही थोड़ा बहुत चेंजेस है, लेकिन ये जो है ना डे टू डे लाइफ में आपको उतना भी फर्क नहीं पड़ेगा। और आईफोन का जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है उससे ज़्यादा कुछ आता जाता नहीं है, इसलिए आईफोन आज भी जो 80 हज़ार का फोन उसमें भी 60 Hz दे रहा है, कि बाकी एंड्रॉयड तो 10-15 हज़ार में 120 Hz दे रहा है, क्योंकि आईफोन का एनिमेशन इतना स्मूथ होता है
कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा 60Hz है, कौन सा 120 वाला डिस्प्ले है। तो ऐसे में अगर आपको थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा है 14 लेने से बेहतर तो आप 15 ले लीजिए, और प्रो मैक्स 15 बिल्कुल मत लीजिए, उससे बेहतर 30-40 हज़ार बचाइए, उससे एक एप्पल वॉच या फिर कोई दूसरा गैजेट ले लीजिए जिससे आपको फायदा होगा, और एप्पल का इकोसिस्टम में आपको और ज्यादा मजा आएगा। एप्पल का जो मेन मजा है वो है अगर आप मल्टीपल एप्पल डिवाइसेस यूज करते हो तो, क्योंकि उसका जो इंटरनल डिवाइस के अंदर जो सिंक है ना वो बहुत ही बढ़िया है। आप नए यूजर हो तो आपको शायद पता नहीं, लेकिन अगर जैसे जैसे यूज करते जाएंगे एक एडिक्टिव टाइप का चीज है। तो एक एप्पल वॉच, एक एप्पल का ईयरबड्स, एप्पल का फोन, एप्पल का पैड, एप्पल का मैकबुक, तो ये अगर सारे आपके पास रहेगा ना तो आपको इतना सीमलेसली उसके अंदर इंटीग्रेशन देखने के लिए मिलेगा जो कि मेरे ख्याल से अभी तक कोई और कंपनी अचीव नहीं कर पाया है। तो 15 प्रो मैक्स में ज्यादा पैसा देने से बेहतर है अब एक दूसरा डिवाइस ले लीजिए और 14 प्रो मैक्स लीजिए, आपको बहुत ही आराम से आपका सारे काम हो जाएगा और आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अभी बात करते हैं जो एग्जिस्टिंग आईफोन यूजर है उसके लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग आईफोन यूजर है, अगर आप नॉन प्रो यूजर है, मतलब अगर आपके पास 14, 13, 12, 11 ऐसा है, तो आप बेझिझक 15 में शिफ्ट करिए। 15 जो है आपको पूरा प्रो वाला मजा देगा और नॉन प्रो के प्राइस पे। अगर आपके पास 11, 12, 13 है तो अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो बेझिझक 15 में अपडेट करिए, 14 में अपडेट करके आपको ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रो वाला यूजर है तो अगर आपके पास 13 प्रो या 12 प्रो ऐसा कुछ है तो आपके पास अगर बजट है तो आप 14 प्रो मैक्स पे शिफ्ट करिए ऑफर के साथ, जो कि 1 लाख 1 लाख 10 के अंदर मिल जाएगा, या फिर आप 15 पे शिफ्ट करिए अगर आपका बजट कांस्टेंट है तो। लेकिन 15 प्रो मैक्स बिल्कुल नहीं लीजिएगा क्योंकि वो वर्थ ही नहीं है उतना पैसा देने का, क्योंकि 15 में इतना सब कुछ मिल जाएगा आपको, 15 प्रो मैक्स जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और अगर आपके पास 14 प्रो मैक्स है तो आप चुपचाप बैठे रहिए, आपको इस साल तो अपग्रेड नहीं करना है। अगर आपका फोन का हालत खराब है तो दूसरा बात है, लेकिन अगर आप फोन स्मूथ है, चल रहा है, तो इस साल बिल्कुल अपग्रेड मत करिए क्योंकि आपको वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट साल के लिए इंतजार कर जाइए, शायद नेक्स्ट साल आपको बहुत कुछ ज्यादा अपग्रेड मिल जाएगा, और तब ये बात भी मानेगा कि 2 साल एक फोन यूज कर लिए उसके बाद अपग्रेड किए। क्योंकि 14 प्रो मैक्स के साथ 15 प्रो मैक्स में टाइटेनियम बॉडी, उसके ऊपर जिसका ग्लास टूट रहा है आपको पता ही है, वो छोड़ के और टाइप सी छोड़ के ज्यादा कुछ है ही नहीं। और 5x का जो जूम है 15 प्रो मैक्स में, कैमरा का जो डिफरेंस है 14 प्रो मैक्स के साथ, वो वाला डिफरेंस आपको शायद 1-2 दिन काम पे आएगा। कभी कभार आप टेलीफोटो का यूज करोगे, लेकिन अगर आपको टेलीफोटो ही लेना तो एंड्रॉइड पे चला जाइए ना, 50x 60x जूम मिल जाएगा। ये वाला जो जूम होता है उतना इफेक्टिव नहीं होता है, फोन से टेलीफोटो वाला काम होता ही नहीं। अगर आपको टेलीफोटो करना है तो आपको कैमरा में ही शिफ्ट करना है। तो ऐसे में सिर्फ इस फीचर के लिए और टाइटेनियम बॉडी टाइप सी के लिए इतना ज्यादा पैसा देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि अभी आपको 14 प्रो मैक्स ऑफर में बहुत कम प्राइस पे मिल रहा है। और अगर आप अभी 14 प्रो मैक्स पे हो तो आपके लिए आपका जो पुराना वाला फोन है उसका एक्सचेंज प्राइस भी आपको उतना खास नहीं मिलेगा, क्योंकि 14 प्रो मैक्स का प्राइस भी बहुत नीचे आ गया। तो ऐसे में 14 प्रो मैक्स अगर आपके पास है तो आप बिंदास बिना किसी चेंज किए और 1 साल गुजार लीजिए। लेकिन बाकी सारे जो मॉडल है, प्लेन 14 भी अगर है आपके पास तो आप 15 में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि 15 वाला जो मॉडल है पहली बार नॉन प्रो मॉडल है जिसको हम रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत 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 उम्दा है, सारे एंगल से अच्छा है। उसके साथ ही साथ आपके पॉकेट में भी बटन थोड़ा कम आएगा। आपके पास अगर बजट ज्यादा है तो वही सेम दूसरा किसी एप्पल का जो ले लीजिए, एप्पल का इकोसिस्टम में आप एक से ज्यादा अगर डिवाइस यूज करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। और सेल के बाद बता देते हैं, अभी आपको 14 कुछ 51,000 में मिल रहा है, 13 जो है वो 40 से 45 के अंदर मिल जाएगा, 12 35। तो ऐसे में अगर आप नए यूजर हो तो ये सब सोचिए, नहीं तो सेल का छोड़ दीजिए, 15 या 15 प्रो मैक्स लीजिए। ऑलरेडी उस पर भी कार पे 5000 का ऑफर चल रहा है, साथ ही साथ कुछ दुकान है लोकल में जो आपको एडाप्टर भी फ्री में दे रहा है। तो ऐसे में 15 या 15 प्लस ले लीजिए, फ्री में एडाप्टर वगैरह मिल जाएगा, साथ ही साथ आप बहुत अपग्रेडेड रहोगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे इसी चैनल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई होप कि आपका जो
सवाल है आईफोन के बारे में कि इस सेल में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर लेना है तो कौन सा लेना है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत इनपुट दे पाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, साथ ही साथ आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कॉमेंट करके बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, साथ ही साथ बगल वाला घंटी बटन को इतना जोर से बजाइए तो जब भी रैंडम टेक की तरफ से कोई भी नया वीडियो आए आपका फोन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा।